हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर लोकेश बाली है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एकदम सटीक और पॉपुलर चुनिंदा बुक्स के बारे में जो यूजीसी नेट को 3 महीने में क्रैक करवा दें। तो इस वीडियो को लगातार लास्ट तक देखते रहना। ये वीडियो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के विद्यार्थी दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और इस वीडियो में कि लास्ट में मैं एक ऐसी एडिशनल जानकारी दूंगा जिसको जानकर सुनकर आपके लिए यूजीसी नेट को पास करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो आइए यार, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि हमारा जो यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो कई खंडों में बटा हुआ है। जैसे माइक्रो हो गया, मैक्रो हो गया, मैथमेटिकल इकोनॉमी हो गया, या फिर अर्थव्यवस्था का पार्ट हो गया, इंडियन इकोनॉमी का पार्ट हो गया। तो उन सभी पार्टों के लिए बहुत सारे पॉपुलर राइटरों की बुक चलती हैं। तो उन राइटरों में भी अच्छी और सटीक बुक की छटनी करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम फैक्टर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कुछ ट्रेडिशनल बुक्स रखी हैं। इसके अलावा मैंने कुछ सटीक और टू द पॉइंट यानी घोड़े जैसी दृष्टि वाली बुक रखी हैं जिससे आप यूजीसी नेट के एग्जाम को क्रैक कर पाओ। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक कर दो। और आपने इकोनॉमिक्स से कितनी बार यूजीसी नेट के एग्जाम को दिया है, आपका जेआरएफ हुआ कि नहीं हुआ, नेट हुआ कि नहीं हुआ, आपका क्या स्कोर रहता है, ये मुझे कमेंट में बताओ ताकि हम इकोनॉमिक्स के बारे में कुछ और चीज़ें आपको मैं बता सकूं। तो ये कमेंट में मुझे जरूर से बताना। दोस्तों, हम सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे बहुत सारी बुक है, लेकिन एचएल आहूजा के अगर कॉन्सेप्ट के लिए आप एचएल आहूजा पढ़ना चाहो सकते हो। ये मैं सभी बुक आपको जो ट्रेडिशनल बुक बताऊंगा उनका ये नहीं कि आप उन सभी गठड़ों को पढ़ने लग जाओ और आपको जून 2020 की एग्जाम देनी है, दिसंबर की देनी है, उससे अगली देनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उनके लिए कॉन्सेप्ट के लिए उन चीज़ों को देख सकते हो, नहीं तो आप इन बुकों को पढ़ने लग जाओगे तो एक साल तो उनको पढ़ने में गुजर जाएगा। तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ अच्छी और बेस्ट बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। तो इन सभी बुकों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो अब टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं मैक्रो के बारे में। देखो, मैक्रो रिचर्ड फियोग की जो बुक है उससे बेहतर बुक कोई मैक्रो के लिए हो नहीं सकती। तो आप रिचर्ड फियोग की बुक देख सकते हो। अगली जो हम बात करेंगे मैथमेटिकल जो इकोनॉमी है, दोस्तों इसके लिए ऐसी बात है कि बहुत से लोगों का जो मैथमेटिक का जो पार्ट होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। तो आप 11 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी हैं अगर आप उनसे इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब हम बात कर लेते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में कि अर्थव्यवस्था में देखो मिश्रापुरी की बुक आती है, दत्त सुंदरम की आती है, रमेश सिंह की आती है। इन तीनों में से आप कोई भी अपने अकॉर्डिंग कोई भी किताब पढ़ सकते हो, लेकिन तीनों ही बुक अपने आप में बेस्ट है। दोस्तों, अगली बुक बताने से पहले मैं आपको बता दूंगा, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपना यूजीसी नेट का स्कोर मुझे लिखकर जरूर से बताओ। और दोस्तों, इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आप एसएन लाल की बुक को भी पढ़ सकते हो। अब दोस्तों, ये तो हो गई ट्रेडिशनल बातें कि यार कि ट्रेडिशनल में इतने मोटे मोटे ग्रंथ मैंने आपको बता दिए, लेकिन ये अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो कब तक पढ़ेंगे। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं एज ए रिवीजन और सटीक चीज़ें जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं। दोस्तों, उनमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यार वो प्रतियोगिता साहित्य का जो अतिरिक्त अंक आता है ना, एक तो वो ले लो आप जिसमें आपके करंट के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। प्रतियोगिता साहित्य का अतिरिक्त अंक, इनकी लिंक मैंने सबकी डिस्क्रिप्शन में नीचे प्रोवाइड करवा रखी है, आप इन बुकों को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। साथ ही आप TMHN, टाटा मैग्राथ या अरिहंत की कोई एक गाइड खरीद लो ताकि आपको 3 महीने में एग्जाम को पास कराने में वो मदद कर सके। और दोस्तों, मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि यार यूजीसी नेट के लिए जो बैक बोन का काम करते हैं ना, वो बैक पेपर करते हैं। तो यूजीसी नेट के जो बैक पेपर है उनकी लिंक में मैं दे दूंगा नीचे, उनको आप जरूर से पढ़ना। बैक पेपर ना कमाल के होते हैं। आप यूजीसी नेट हो या फिर जितनी भी TGT PGT इकोनॉमिक्स से एग्जाम लगे, उन कहीं से भी आपको अगर वो पेपर मिले तो आप उन पेपरों को जरूर सॉल्व करना। वो पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा जो भी लोग जिनको फर्स्ट पेपर में थोड़ी गड़बड़ा रहे हैं उनका स्थिति कि यार फर्स्ट पेपर को कैसे पास करें, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें बहुत सारी बुकों में से छांट कर मैंने एक बुक बता रखी है। वो बुक आपके लिए फर्स्ट पेपर में बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो आई बटन पर वो वीडियो मिल जाएगा आपको, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो की लिंक में दे दूंगा। फर्स्ट पेपर के लिए आप उस वीडियो को जरूर से देखना और दोस्तों इन बुक्स को जरूर से खरीदना। तो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। तो दोस्तों, चलता हूं, फिर से हाजिर होऊंगा अगले वीडियो में। तब तक रुको मत, थको मत, डटो मत, हटो मत। नमस्कार, जय हिंद।